हेलो फ्रेंड्स आई एम रिचा और एक बार फिर बहुत सारा स्वागत है परचम क्लासेस पे आज का जो सेशन है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी एग्जाम्स अभी अनाउंस हो रखे हैं या जो हाल ही में होने वाले हैं ओके okay? जिनकी डेट्स आ गई हैं या आने वाली हैं क्योंकि आज हम करने वाले हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर यानी कला और संस्कृति भारतीय कला और संस्कृति से जुड़े हुए फिफ्टी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कि हम टेम्पल और आर्किटेक्चर यानी कि मंदिर और उनकी जितने भी आर्किटेक्चरल डिजाइन है उनके बारे में क्वेश्चन देखेंगे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स यानी मेले और त्यौहार उसके अलावा म्यूजिक एंड डांस देन योर लिटरेचर साहित्य इन सब से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फिफ्टी क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं हमने अनाउंस किया था जो हाल ही में एग्जाम्स चल रहे हैं जैसे एन टी है SSC आने वाला है उसके अलावा देर सो मेनी एग्जाम्स जो कि अनाउंस है राइट सो उनसे जुड़े हुए जो भी आपकी प्रैक्टिस है ये क्विक एक क्वेश्चन सीरीज चल रही है चैनल के ऊपर अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं हिस्ट्री के आ रहे हैं जनरल साइंस एन्वायरमेंट के आ रहे हैं और जोग्रफी के मैं लेकर के आई थी पहले जिसमें हमने बायोस्फेयर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज इन सब के बारे में बात की थी और आज हम आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे ठीक है सो रेगुलर जो वीडियोज़ चल रहे हैं उनके साथ साथ ये क्वेश्चन क्विक क्वेश्चन वीडियोज़ भी चलेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके ओके सो so स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जो भी हम पढ़ रहे हैं वैसे तो आप यहीं पे प्रैक्टिस कर लीजिए स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं तो आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ओके आर्ट एंड कल्चर की ज्योग्राफी की रेगुलर क्लासेस भी चल रही हैं अच्छा मेरी क्लासेस का मैं टाइम टेबल आपसे शेयर कर दूँ मेरी क्लासेस ट्यूजडे थर्सडे और संडे हफ्ते में तीन दिन आया करती हैं ओके सो uh, so, फाइन जो भी होगा अपडेट आप सोशल मीडिया से जुड़े रहिए हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं परचम क्लासेस के इंस्टा फेसबुक ट्विटर then your telegram, etc. So, जो भी होंगी वो आपको वहां मिलती रहेंगी और बाकी ऑफकोर्स वीडियो में हम शेयर करते ही रहेंगे सो नाउ लेट लेटस बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर वन शुरुआत पहले करेंगे टेम्पल एंड आर्किटेक्चर से ठीक है पहला सवाल क्या है देख लेते हैं विच टेम्पल आर वेल नोन फॉर द नागर स्टाइल कौन सा स्टाइल नागर स्टाइल Uh, यानी कि नागर स्टाइल सिंबोलिज्म एंड इरोटिक फिगर्स एंड स्कल्पचर्स ऐसा कौन सा मंदिर है इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि अपनी नागर स्टाइल नागर शैली के लिए फेमस है और इरोटिक थोड़ी सी कामोत्तेजक इनमें यू you नो know, चीज़ें बनी हुई हैं उकेरी हुई हैं डिज़ाइन की हुई है उसके लिए फेमस है स्कल्पचर्स के लिए सो so, ऑप्शन देख लेते हैं अक्षरधाम खजुराहो हम्पी या अजंता द राइट आंसर इज आंसर इज खजुराहो ओके और uh, कहाँ तो पर है अब थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस शैली के बारे में भी बात करते हैं देखिए जितने भी हिंदू टेम्पल्स हैं इंडिया के अंदर वो तीन शैलियों पे बेसिकली बेस्ड है या तो नागर शैली है या द्रविड़ शैली है या वैसर शैली है ओके नागर शैली जो है वो नॉर्थ इंडिया में देखने को ज्यादा मिलती है द्रविड़ शैली जो है जो साउथ इंडिया में देखने को मिलती है और जो थर्ड शैली है वैसर ये जो है ये नागर और द्रविड़ दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म है ओके okay? सो so, ये जो मंदिर है खजुराहो का मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है खजुराहो टेंपल्स वो कौन सी शैली पर बेस्ड है नागर शैली पे इस शैली की बात क्या होती है खास जैसे कि इसमें खंबे वगैरह नहीं होते हैं आसपास मंदिर के बाउंड्री नहीं होती है ये कुछ एक पिक्युलर फीचर होते हैं इस शैली के राइट right? और मध्य प्रदेश मैंने बता दिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है खजुराहो टेम्पल्स ये आपको ध्यान रखना है और थ्री स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर मैंने आपको बता दिया नागर द्रविड़ और वेसर ठीक है क्विक रिविजन भी हो गया इस तरह से हमारा ओके मूविंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द हेरिटेज साइट विच कंसिस्ट ऑफ थर्टी वन रॉक कट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर ऐसी कौन सी मैं हिंदी में समझाती चलूंगी इंग्लिश में लिखी अधिकतर चीजें ओके okay? ऐसी कौन सी हेरिटेज uh, साइट है जो यहां पे लिखी गई है जिनमें की इकतीस रॉक कट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर स्कल्पचर्स हैं या फिर पेंटिंग्स हैं राइट आंसर क्या है ऑप्शन देख लेते हैं खजुराहो, हम्पी अजंता और एलोरा में से कहां पर इकतीस बुद्धिस्ट रिलेटेड मॉन्यूमेंट स्कल्पचर्स एटसेट्रा है केव के अंदर राइट आंसर इज सी अजंता ओके और अब इससे जुड़ा हुआ देख लेते हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर ये पड़ता है अच्छा अगर आपको याद करने में तो बुद्धिस्ट के मॉन्यूमेंट्स अजंता में मिलते हैं जनता से अजंता याद हो जाएगा स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखेंगे हा? दिमाग अलर्ट रखना है ओके? और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन इज इज़ द मोस्ट होली पिलग्रिमेज स्पॉट फॉर बुद्धिस्ट मोस्ट होली पिलग्रिमेज यानी कि सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट तीर्थ यात्रा अगर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज की इंडिया में मानी जाती है तो वो कहाँ पर है बुद्धिस्ट की खजुरा हो बोध गया अजंता या एलोरा तो देखो आ, बुद्धा को बोध हुआ था ज्ञान का कहाँ पे बोध गया में ठीक है सो द राइट आंसर विल भी बोध गया और ये कहाँ पर है ये बिहार गया बिहार में ये पड़ता है ओके okay? और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वृक्ष के नीचे और वैसे अगर आप बुद्धिस्ट की पिलग्रमिज की यानी इनके तीर्थ स्थलों की बात करें तो चार मेजर पिलग्रमिज इनके हैं एक तो बोधगया हमने देख लिया उसके अलावा कुशीनगर लुम्बिनी और सारनाथ में तो ये चार नाम आप थोड़ा याद रखिएगा कुशीनगर लुम्बिनी सारनाथ और बोधगया जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है बोधगया है ओके और दो दो में बोध महाबोधि टेम्पल बोधगया जो पूरा स्थान है उसमें महाबोधि टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया था डन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच केव्स आर वेल नोन फॉर देर इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर रॉक कट आर्किटेक्चर ये कीवर्ड है ये आपको ध्यान रखना है कौन सी केव्स हैं जिनमें रॉक कट आर्किटेक्चर इंडियन फॉर्म का देखने को मिलता है खजरा हम्पी अजंता या एलोरा राइट आंसर इज एलोरा एलो रॉक right Elo. को कट कर करके डिजाइन बना दिया और नाम हो गया एलो Elo से एलोरा ठीक है इंडियन रॉक कट स्ट्रक्चर्स आर्किटेक्चर कहां देखने को मिलते हैं एलोरा में ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता एलोरा पास पास ही है, और महाराष्ट्र में और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच हेरिटेज साइट डिपिक फाइन द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर द्रविड़ शैली पर बेस्ड इनमें से कौन सा एक हेरिटेज uh, साइट है चार ऑप्शन में से आपको बताना है अक्षरधाम खजुराव हम्पी या अजंता देखो मैंने बताया था द्रविड़ स्टाइल अधिकतर कहां मिलेगी साउथ में देखने को मिलेगी इनमें से थोड़ा सा आइडिया लगाओ देखो ये हम्पी है ना बिल्कुल अगर हम साउथ की बात करें तो हम्पी कहां पड़ता है जल्दी सोच के बताइए कहां पड़ता है ये पड़ता है कर्नाटका में अभी थोड़े टाइम पहले हमने करंट uh, अफेयर्स में बात की थी कि, कि कर्नाटका का एक और डिस्ट्रिक्ट बन गया है जिसका कि क्या नाम है विजयनगर डिस्ट्रिक्ट और उसके अंदर अब हम्पी इसमें इंक्लूड होगा राइट सो राइट आंसर क्या है द्रविडन स्टाइल का इनमें से कौन सा आर्किटेक्चर है हम्पी है और जो विजयनगर कर्नाटका में पड़ता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है इसका कोई ट्रिक टेक्निक नहीं दे रही हूं बिकॉज साउथ कर्नाटका से आपको हम्पी याद रखना ही है जहां जरूरत मुझे लगेगी कि यहां ट्रिक टेक्निक की जरूरत है वहां आई प्रोवाइड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट वॉज बिल्ड बाई किंग नरसिम्ह देव वन ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के नरसिम्ह देव वन किंग ने कौन सा इनमें से हेरिटेज साइट बनवाया था ऑप्शंस हैं आपके खजराहो बोधगया अजंता या सन टेंपल एंड द राइट आंसर इज वेरी गुड खजुराहो सन टेंपल या सन टेंपल जिसको कहा जाता है सॉरी uh, खजुराहो सन टेंपल नहीं कोनाक सन टेंपल हम सो सॉरी कोनाक सन टेंपल या सन टेंपल जिसे कहा जाता है कहां पर है ये ओडिसा के अंदर पड़ता है और ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है देन तो नरसिम् और देखो नरसिम्ह देव अब नाम में ही वो शेर वाला तो किसी ना किसी देव तो सूर्य देव और नरसिम्ह देव तो नरसिम्ह देव ने सूर्य देव यानी सन टेम्पल बनवाया था ये छोटा सा हिंट आपको हेल्प कर सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग बिल्ड शाहजहां शाहजहां ने इनमें से क्या बनवाया था वेन ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू डेली जब हिंदुस्तान की कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट हुई तो शाहजहां ने इनमें से क्या बनवाया था ऑप्शन है ताजमहल कुतुब मीनार रेड फोर्ट या सांची सांची में जो स्तूप है वो तो राइट आंसर क्या है राइट आंसर इज रेड फोर्ट जब शाहजहां ने कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्ट किया था पूरे हिंदुस्तान की जो कैपिटल है वो शिफ्ट की थी आगरा से दिल्ली तो उन्होंने बनवाया था और रेड फोर्ट में बहुत सारे एम्प्रोय रहे हुए हैं और जो शाहजहां हैं वो पांचवें मुगल एम्पर थे और इनके टाइम में कल्चर जो मुगल कल्चर था पूरा वो बहुत ज्यादा ग्लोरी पे आया और हालांकि ये बहुत यू नो अच्छे योद्धा वगैरह भी थे लेकिन ये ज्यादा किस लिए जाने जाते हैं जो उस टाइम इन्होंने आर्किटेक्चरल काम करवाए जितनी भी चीजें बिल्डिंग्स वगैरह बनवाई उनके लिए ज्यादा जाने जाते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर सबसे पुराना ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इनमें से इंडिया में कौन सा है ताजमहल कुतुब मीनार रेड फोर्ट या सांची एंड द राइट आंसर इज सांची ओके सांची के जो स्तूप हैं वो सबसे ओल्डेस्ट रॉक स्ट्रक्चर्स हैं इंडिया के और इसकी शुरुआत इनको बनवाने की शुरुआत हुई थी कब ये हुई थी मौर्यन एम्पर मौर्यन ओके सॉरी राइट कहां पर है सांची सांची स्तूप कहां पर है सारे मध्य प्रदेश में पड़ते हैं और शुरुआत कब हुई थी, थी इनकी बनाने की अशोका के टाइम पे मॉरियन एम्पायर के दौरान थर्ड सेंचुरी बीसीई में और उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता गया और बुद्धिस्ट यू नो आर्किटेक्चुरल या बुद्धिस्ट फील्ड के साथ ही बने हुए हैं बिकॉज अशोका जो थे वो भी बिलीवर थे और राइट देन द बृहदेश्वर टेम्पल कौन सा टेम्पल बृहदेश्वर टेम्पल गंगाइकोंडा चोलमपुरम एंड एरावतेश्वर टेम्पल ये तीन आर पार्ट ऑफ विच हेरिटेज साइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से सुनिएगा बृहदेश्वर टेम्पल कोंडा चोलमपुरम और एरावे एरावतेश्वर टेम्पल ये तीनों कौन से हेरिटेज साइट के पार्ट्स हैं ओके okay? आपको बताना है चोला टेम्पल सन टेम्पल खजराओ या बोध गया एंड द राइट आंसर इज चोला टेम्पल ओके एंड चोला टेम्पल कहाँ पड़ता है चोलाज कहां थे साउथ में ही थे चोला टेम्पल पड़ता है तमिलनाडु में तो देखो नाड़ा भी कपड़ों में आता है और चोला कपड़े का ही हिस्सा है तो चोला और नाड़ू से चोला तमिलनाडु आप याद रख सकते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये भी कौन चोला टेम्पल ओके नेक्स्ट इज तुंगनाथ मंदिर यानी कि तुंगनाथ इज सिचुएटेड इन विच इंडियन सिटी तुंगनाथ मंदिर वन ऑफ द हाईएस्ट शिव मंदिर uh, टेम्पल माना जाता है इंडिया के अंदर कहां पर है ऑप्शन uh, दिए हुए हैं चामोली मंडी चंबा या शिमला एंड द राइट आंसर इज चामोली और ये कौन से स्टेट में पड़ता है उत्तराखंड में ठीक है तो तुंगनाथ तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच डेटी ये जो मंदिर है ये कौन से भगवान के लिए डेडिकेटेड है रंगनाथ स्वामी मंदिर शिव विष्णु दुर्गा माँ या फिर लक्ष्मी जी के लिए तो देखिए साउथ के जो मंदिर है वहां विष्णु जी को ज्यादा माना जाता है राइट ये छोटा सा हिंट हो सकता है और आंसर हो जाएगा लॉर्ड विष्णु और कहां पर है ये मंदिर? ये मंदिर है तमिलनाडु के अंदर ही ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम टेम्पल्स और आर्किटेक्चर कर रहे हैं बाकी सारी कैटेगरीज अभी आने वाली है इन विच प्लेज श्रृंगेरी मठ या श्रृंगेरी मठ जो हम बोलते हैं श्रृंगेरी मठ इस्टैब्लिश बाय आदि शंकराचार्य सिचुएटेड आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए इंडिया में चार जगह प्रमुख मठ स्टैब्लिश किए थे ठीक है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में और उनमें से एक मठ था श्रृंगेरी मठ तो श्रृंगेरी मठ की स्थापना कहां की थी ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है कन्याकुमारी रामेश्वर कोचन या चिकमंगलूर एंड द राइट right आंसर इज चिकमंगलूर में चिकमंगलूर ओके okay? कहां पर पड़ेगा ये कर्नाटका के अंदर ओके okay? तो अब इस श्रृंगेरी मठ को और भी नाम से जाना जाता है मतलब एक और नाम जो श्रृंगेरी शारदा पीठम जो ओरिजिनल नाम रखा था ठीक है श्रृंगेरी शारदा पीठम ये कहाँ पर है कर्नाटका में और राइट और इसके अलावा जो मठ थे ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ के वो देख लेते हैं वेस्ट में गुजरात में द्वारका शारदा पीठम ईस्ट में ओडिशा में पुरी गोवर्धन और पीठम और नॉर्थ में उत्तराखंड में बद्री ज्योतिष पीठम ठीक है तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि वेस्ट में गुजरात में पड़ता है ईस्ट में ओडिशा में पड़ता है नॉर्थ में उत्तराखंड में पड़ता है और जो साउथ में है वो कर्नाटका में पड़ता है ये चार पीठ थे आदि शंकराचार्य के नाम भी आपको ध्यान रखने सिंपल है हो जाएगा देखो गुजरात में द्वारका फेमस है तो गुजरात में द्वारका हो जाएगा पूरी ओडिशा में पूरी बीच वाला साइड फेमस है मंदिर भी बहुत है वहां पे उससे हो जाएगा और उत्तराखंड में बद्रीनाथ से आ बद्री ज्योतिष पीठ हम याद रखेंगे ओके मूविंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन ंडेश्वरी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बिहार में बहुत फेमस मुंडेश्वरी माता का मंदिर है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में ऑप्शन है? है आपके सीतामढ़ी कैमूर गया या भागलपुर द राइट आंसर इज कैमूर ओके okay? और इसमें और कोई खास बात वन ऑफ दस्ट हिंदू टेम्पल्स माना जाता है हिंदू धर्म के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है ये माता जी का मंदिर ओके सो विदिसन विद टेम्पल एंड आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट इंपोर्टेंट जो भी था ऑफकोर्स जो वीडियो आएंगे वो आते रहेंगे पर एक बार क्विक नजर से निकालने के लिए ये हमने एक सेक्शन निकाल लिया अब हम उत्तर प्रदेश. चार गए। उत्तर प्रदेश का आपको बताना है। मांग कजरी बॉल या बोली इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का है राइट आंसर इज कजरी ओके ये हमने फोक डांस में भी देखा था राइट अच्छा यहाँ पे आ, ओके और कुछ बताने वाला नहीं है ठीक है

केरलाके okay, बाकी सब रॉन्ग है तो अब इनके फटाफट -फड़ से राइट आंसर देख लो कुछ कहाँ का है कच्ची कच्चीपुड़ी अंधा व्यक्ति कुछ भी खा लेता है ना उसको पता नहीं चलता तो कच्ची कच्चीपुड़ी अंधा व्यक्ति तो आंध्र प्रदेश का है कुचीपुड़ी भरतनाट्यम नाट्यम और नाड़ा न न से है तो भरतनाट्यम तमिलनाडु हो जाएगा और कथक है हमारे उत्तर प्रदेश का तो ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पे मिल गई नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द डांस विच वॉज रिवाइव बाय वेलथोल वल्थोल ने कौन से डांस फॉर्म को रिवाइव किया था यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ओडिसी कथकली मणिपुरी या भरतनाट्यम एंड द राइट आंसर इज कथकली। ओके, वल्थोल का पूरा नाम देख लीजिए वल्थोल नारायण मेनन जी, ओके okay? एंड uh, इनके नाम पे स्टैम्प भी uh, इशू हुआ था ही वॉज द फाउंडर ऑफ फाउंडर ऑफ केरला कला मंडलम ओके okay? और इन्होंने बहुत काम किया जिसकी वजह से कथकली रिवाइव हुआ खत्म होता जा रहा था और एकदम से फिर रिवाइव हो गया ओके okay? चलिए नाम ध्यान रखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन अंकिया नाट इज अ डांस फॉर्म ऑफ अंकिया नाट बेसिकली एक आ, ड्रामा फॉर्म है ये कहां का है कौन से स्ट स्टेट को बिलोंग करता है आंध्र प्रदेश बिहार असम या जम्मू एंड कश्मीर अंकिया नाट अंकिया असम ओके okay? अंकिया नाट इज ऑफ असम और मेन सब्जेक्ट जो इसमें होता है भगवान कृष्ण की पूजा दिखाई जाती है ठीक है नेक्स्ट हाथरस ट्रेडिशन एंड कानपुर ट्रेडिशन आर रिलेटेड टू विच फोक डांस विद सोशल थीम ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसमें सोशल सामाजिक चीजों को लेकर के नाट और डांस किया जाता है और इसमें ये दो फॉर्म्स देखने को मिलते हैं हाथरस ट्रेडिशन और कानपुर ट्रेडिशन ये कौन से फोक डांस के साथ जुड़े हुए हैं जात्रा नौटंकी फागुन या बिहू तो देखिए हाथरस और कानपुर आप देखोगे तो यूपी का है और यूपी का इनमें से कौन सा है नौटंकी है तो ऐसे ही आपको याद हो जाना चाहिए कि आंसर शुड बी नौटंकी नहीं तो वैसे देख लीजिए नोटंकी फोक डांस है यूपी का और उसके दो जो वेरिएंट्स हैं वो कौन से हैं हाथरस ट्रेडिशन और कानपुर ट्रेडिशन ठीक है उत्तर प्रदेश का है नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फोक डांस ऑफ इंडिया अच्छा अब आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं तीन क्लासिकल डांस है और एक फोक डांस है आपको फोक डांस पिक करना है मणिपुरी बिहू कथकली भरतनाट्यम कौन सा इसमें से फोक डांस है मणिपुरी फोक डांस नहीं है कथकली नहीं है भरतनाट्यम नहीं है क्योंकि ये सारे क्लासिकल डांस हैं, ठीक है थीके? और राइट right आंसर क्या हो जाएगा बिहू बिहू कहां का है आसाम का है वेरी गुड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैड popularized द इंडियन क्लासिकल डांस अब्रॉड वो कौन से व्यक्ति हैं जिनको श्रेय जाता है हिंदुस्तानी क्लासिकल डांस को बाहर के देशों में भी पॉपुलराइज करने में ऑप्शन हैं आपके केलूचरण महापात्र रुक्मणी देवी गोपी कृष्ण या उदय शंकर एंड द राइट right आंसर इज उदय शंकर इन्होंने उदय किया इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का नाम बाहर के देशों में भी तो उदय शंकर इनके बारे में जल्दी से थोड़ा सा देख लेते हैं इंडियन डांसर और कोरियोग्राफर रहे हैं ये बेसिकली मिक्सड या फ्यूजन फॉर्म ऑफ डांसिंग किया करते थे जिसमें यूरोपियन थिएटर का थोड़ा स्टाइल ला करके इंडियन क्लासिकल का स्टाइल ला करके अपना कुछ स्टाइल बनाते थे और इन्होंने यूरोप में यूएसए साइड में बहुत इंडियन क्लासिकल डांस को पॉपुलराइज किया इन नाइनटीन एंड थर्ट और इंडिया में मॉडर्न डांस के जो पाइनियर टॉर्च बेर रहे वो उदय शंकर जी रहे ओके नेक्स्ट रफ 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 या rough a, uh, या इज अ डांस ऑफ ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी कर चुके हैं जब हमने फोक इंडिया याद किए थे rough, कश्मीर ठीक है कश्मीर वैली में पर्टिकुलरली फीमेल्स करती हैं सो ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है गुजरात जम्मू कश्मीर महाराष्ट्र तमिलनाडु रफ जो डांस है वो कहां का है फोक नृत्य कश्मीर का है जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर इन दिस केस विच ऑफ द फॉलिंग इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म आपको आपको चार ऑप्शन दिए गए इसमें से बताना है कि क्लासिकल डांस फॉर्म कौन सा है पहला आ जाता है आपका कलारी पैटू बुर्रा कथा भवई और सतरिया तो इनमें से क्लासिकल डांस फॉर्म कौन सा है एंड द राइट आंसर इज सतरिया ओके सतरिया का मैं बता दू कि पहले उसको फोक डांस में काउंट किया जाता था नाउ इट इज इंक्लूडेड इन टू क्लासिकल डांस फॉर्म एंड असाम का ये डांस फॉर्म है uh, और उसके अलावा बाकी जो चीजें हैं वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं जल्दी से कलारी पेटू जो बेसिकली है वो एक मार्शल आर्ट है केरला का ओके मार्शल आर्ट फॉर्म है केरला का इट इज़ नॉट अ डांस फॉर्म देन बुरा कथा हमने पढ़ा था फोक डांस है कहाँ का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जहाँ पे नरेटिव डांस स्टाइल्स होते हैं तीन लोग स्टेज पे बेसिकली आते हैं कुछ कथा सुनाते हैं और डांस करते हैं भवाई कहाँ का है गुजरात और राजस्थान दोनों का ही माना जाता है है ना भवाई नृत्य और सत्रिया मैंने आपको बताया क्लासिकल डांस फॉर्म है असम का हाँ और uh, <coughs> अंकिन आर्ट जो हमने देखा था ना वो बेसिकली सत्रिया का ही एक वेरिएंट माना जाता है चलिए अमंग द फॉलोइंग इज अ मार्शल डांस अब आपको चार ऑप्शन दिए गए मार्शल डांस कौन सा है इसमें आपको बताना है कथकअली बैम्बू डांस ऑफ मेघालय छऊ मयूर भंज स्टाइल वाला या भंगड़ा ऑफ पंजाब मार्शल आर्ट जिसमें वॉर मूवमेंट्स कुछ रहेंगे तो राइट आंसर इज छऊ ऑफ मयूर भंज मयूर भंज वाला छऊ जिसमें कि मास्क नहीं पहना जाता कौन से स्टेट का है ये जल्दी बताओ ओडिशा का है वेरी गुड अब तक रट जाना चाहिए ये फोटो यहाँ पे बनी हुई है इसकी है ना पूरा अच्छे से हमने तैयार किया था ये मयूर आ, जो पूरा छऊ नृत्य है वो तीन स्टाइल्स में किया जाता है और तीन स्टेट्स में किया जाता है ओडिशा वेस्ट बंगाल और झारखंड के अंदर ओडिशा में मयूरभंज नृत्य होता है जिसमें मास्क नहीं लगता वेस्ट बंगाल और झारखंड में मास्क लगा के किया जाता है झारखंड में सरायकेला छऊ होता है और वेस्ट बंगाल के अंदर पुरुलिया छऊ होता है ये सब याद करवा दिया था मैंने ठीक है इसलिए वापस टेक्निक पे नहीं जा रही हूं और ये एक इंपॉर्टेंट बात थी कि यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में छऊ नृत्य इंक्लूडेड है काल्वेलिया है छऊ है और तीसरा कौन सा था मुदियाट्टू था ओके मुदियट्टू चलिए

अब हम खत्म हो जाते हैं मतलब विद डांसिस पर्टिकुलरली म्यूजिक अभी हम लेंगे बाद में वाद्य यंत्र वगैरह के बारे में बात करेंगे अब हम आ जाते हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल यानी कि मेले और त्यौहार के ऊपर ठीक है जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं बहुत कंफ्यूज करते हैं ये वाले क्वेश्चन तो यहां जहां जहाँ पॉसिबल होगा अल्ट्राइन प्रोवाइड यू द हिन्स ठीक है ओके हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विद स्टेट हॉर्न बिल फेस्टिवल त्यौहार कहां पे कौन से स्टेट में मनाया जाता है असम मेघालय नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश तो उत्तर पूर्वी राज्य का है ये तो समझ में आ गया हॉर्नबिल है नागालैंड का हॉनबिल चिड़िया कभी देखिए लंबी सी उसकी चोंच होती है नाक बहुत लंबी होती है तो नाग से नागालैंड आप याद रख सकते हो हॉर्नबिल ओके सो हॉर्नबिल फेस्टिवल इज ऑफ नागालैंड और फर्स्ट वीक ऑफ फर्स्ट ऑफ दिसंबर को स्टार्ट होता है एक वीक तक ही चलता है फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैस्ड सही से मैश्ड कौन सा नहीं है तीन सही है एक गलत है बताना है ओनम केरला ओनम केरला का है या नहीं चिरो मणिपुर खर्ची पूजा और बांग्ला फेस्टिवल मेघालय कौन सा रॉन्ग है तो जो रॉन्ग होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एंड द रोंग थिंग इज खर्ची पूजा असम क्योंकि ये कहाँ की है इट इज ऑफ त्रिपुरा ठीक है ये जो दिखा रखी है तो ओनम केरला का है चिरोबा सही बता रखा है मणिपुर का है बांग्ला सही बता रखा है मेघालय का है और ये जो था खर्ची पूजा ये है त्रिपुरा का ठीक है इन विच स्टेट इज दी माधवपुर मेला हेल्ड एनुअली बहुत बड़ा मेला लगता है माधवपुर मेला तो ये कहां लगता है ये आपको बताना है राजस्थान हरियाणा गुजरात या छत्तीसगढ़ माधव हे माधव द्वारका नगरी बसा दी आपने कहां पर गुजरात में तो माधवपुर मेला भरता है गुजरात में क्यों मनाया जाता है और इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि नॉर्थ ईस्ट की कौन सी ट्राइब है जिससे कि माधवपुर मेले का एक बहुत घनिष्ठ संबंध है या कि बहुत स्ट्रांग एसोसिएशन है ये भी एक सवाल इंपॉर्टेंट बनता है तो अब जो एडिशनल बातें मैं बता रही हूँ उन पर ध्यान दीजिएगा ठीक है माधवपुर मेला गुजरात और इसका कनेक्शन किससे है मिशमी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश कहां मिशमी ट्राइब वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज टेक नोट मिशमी तो आप गुजरात में मेला बना रहे हो पर मिसमी हाँ क्योंकि मेरा भी आपसे कनेक्शन है मैं कौन हूँ भाई मैं अरुणाचल प्रदेश की मिशमी ट्राइब हूं अब क्यों है इनका रिलेशन क्योंकि देखिए वो आपने आ, स्टोरी सुनी थी कि रुक्मणी जी को कृष्ण जी भगा के ले आए थे है ना हरण करके और फिर यहाँ द्वारका लाए थे तो जो रुक्मणी जी थी वो भिष्म राजा की पुत्री थी और भीष्मक कहाँ के थे वो अरुणाचल के थे ठीक है तो अरुणाचल से लेकर के और यहां तक लेकर के आए थे और इस चक्कर में जब यहां वो आ गए तो यहां पे मेला भरता है और वहां से भी लोग आकर के यहाँ परफॉर्म करते हैं क्योंकि राजकुमारी तो वहीं की थी ठीक है so, सो मिशमी ट्राइब ट्रेसिस एनसेस्ट्री टू लेजेंड्री किंग भीष्मक एंड थ्रू हेम डॉटर रुक्मणी एंड लॉर्ड कृष्णा ठीक है फेस्टिवल में रुक्मणी अरुणाचल से गुजरात तक आ गई लॉर्ड कृष्णा के साथ इसका सेलिब्रेशन किया जाता है ऑल राइट right. और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जलीकट्टू इज अ बुल टेमिंग इवेंट हेल्ड मेनली इन जलीकट्टू एक इवेंट uh, होता है जिसमें हमें बुल को यानी कि uh, सांड को साधना होता है और ये कहाँ पे किया जाता है ऑप्शन तेलंगाना गोवा कर्नाटक या तमिलनाडु एंड द राइट right आंसर इज तमिलनाडु जलीकट्टू तमिलनाडु तो नाड़े वाड़े से पकड़ के हम उसको बांध रहे हैं ऐसे आप या खींच रहे हैं ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो कंट्रोल में ला रहे हैं ठीक है सो जलीकट्टू कहाँ का हो गया तमिलनाडु का है विच मुस्लिम फेस्टिवल मार्ज द बिगिनिंग ऑफ लिख दिया है वहां पे दैट इज नॉट दी स्पेलिंग इट शुड बी सेक्रेड पीरियड ऑफ फॉर हज ऐसा कौन सा त्यौहार है मुस्लिम त्यौहार है जिसके बाद हज की जो यात्रा होती है मक्का की तरफ जो जाने की यात्रा होती है उसकी शुरुआत की जाती है सो ईद उल फितर ईद उल जुहा मिलाद मिलादुल नबी या मुहर्रम कौन सा इनमें से वो त्यौहार है जिससे कि हज की यात्रा स्टार्ट होती है राइट आंसर इज ईद उल जुहा ईद उल जुहा जिसे कि बकर ईद भी कहा जाता है और इसके और भी नाम है इसको ईद अल अदहा भी बोलते हैं ओके okay? और टेंथ डे ऑफ ट्वेल्थ मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर पे किया जाता है और इब्राहिम का जो डिवोशन था अल्लाह की तरफ उनके पुत्र का सिर मांग लिया था और उन्होंने बोल दिया कि ठीक है काट लीजिए और उसके बाद uh, उसको जिंदा करके और बकरे की कुर्बानी ली गई थी ऐसी पूरी स्टोरी थी सो so, इसके लिए ये त्यौहार मनाया जाता है और इसके बाद मक्का की तरफ यात्रा स्टार्ट होती है तो याद रखेगा ईद उल जुहा ओके ज जा रहा है ना जुहा में हज ज जुहा क्योंकि ईद उल फितर ईद उल जुहा इन सब कंफ्यूज होते हैं अगर आपको नहीं पता होगा तो हज जुहा राइट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इट इज फेमस फॉर बाली यात्रा फेस्टिवल बाली यात्रा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है या कौन सी शहर में मनाया जाता है कटक रांची रायपुर या पटना एंड द राइट आंसर इज कटक ओके okay? अब आ, कटक कहाँ भाई बताओ जल्दी सोच के बताओ ओडिशा साइड ठीक है अब आ, Uh, जो uh, ओडिशा में महानदी के जो तट हैं वहाँ पर ये पूरा uh, फेस्टिवल uh, या uh, फेयर जो है वो मेला लगाया जाता है क्योंकि जितने भी अब ट्रेड एंड कॉमर्स है वो uh, श, क्या बोलेंगे श्रीलंका श्री सॉरी सिलोन आ रहा था मेरे याद में श्रीलंका की साइड में बाली की साइड में यहाँ पे जाएंगे और ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा सो so, कटक uh, <coughs> में ऑन द बैंक्स ऑफ महानदी इन ओडिशा ये भरता है मेला और कार्तिक पूर्णिमा पे पड़ता है एंड एशिया ओपन ट्रेड फेयर है ओके okay? एशिया का सबसे बड़ा ओपन ट्रेड फेयर दिस इट देन फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट फ्लेमिंगो फेस्टिवल कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑप्शन है तेलंगाना कर्नाटका नागालैंड या आंध्र प्रदेश सो द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी है जहाँ पे बहुत सारे फ्लिमिंगोज आते हैं और यहाँ पे ये पूरा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है और नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और पुलिकट लेक के बारे में देख लेते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम है सबसे पहला कौन सा है चिलिका लेक है ना ब्रैकिश वाटर कौन से होते हैं खारा और मीठा पानी दोनों थोड़ा थोड़ा मिक्सिंग हो रहा होता है वहाँ पे ठीक है अहादगुरी एरिया इन असम इज फेमस फॉर फेम असम में एक एरिया है अहादगुरी वो किस चीज के लिए फेमस है आपके ऑप्शन है बुल्ककाट रेसिंग फाइटिंग बुल टेमिंग या इज ऑफ फाइटिंग इनको लड़वाएंगे नहीं तो पॉजिटिव तो भी कई जगहों पे हालांकि काफी कम हो गई है ये बफेलो फाइटिंग लेकिन फिर भी कई जगहों पे अभी भी होती है बफेलो फाइट जिसको कि मोहजूज इन uh, uh, मोहजूज कहा जाता है असम में और वो ट्रेडिशन है बोरिया बोरी इन मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ठीक है कंबला इज अ ट्रेडिशनल बफेलो रेस हेल्ड इन द स्टेट ऑफ कंबाल या कंबला ये कौन सी स्टेट की बफेलो रेस है ट्रेडिशनल बफेलो रेस है कर्नाटका तमिलनाडु तेलंगाना या केरला एंड द राइट आंसर इज कर्नाटका देखो कर्नाटका और तमिलनाडु में कई चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे तो ये आप ध्यान रखिएगा बफेलो से आप रेस करवा रहे हो नाटक करिए मुझे नहीं भागना तो कर्नाटका ठीक है और जो हमने उससे पहले देखा था आ, कहाँ गया जल्दी से आ जाओ। ओके जली कट्टू का था ये तो ठीक है इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा जली कट्टू का हमने बोला था कि भाई जली कट्टू को काबू में लेना है तो आप नाड़ा बांधिए तो ये तमिलनाडु का है तो जली कट्टू इज तमिलनाडु और जो आपका कंबाला है ये कहाँ का हो गया कर्नाटका का हो गया ठीक है लूसोंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लूसोंग फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है Options है तिब्बत अरुणाचल प्रदेश सिक्किम या केरला एंड द राइट आंसर इज सिक्किम ठीक है और सिक्किमी न्यू ईयर पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है मार्क्स द बिगनिंग ऑफ सिक्किज न्यू ईयर कब होता है सिक्किम में न्यू ईयर दिसंबर में मनाया जाता है और यही हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी इसी समय फसल वगैरह भी कटती है सो so, सेलिब्रेशंस होते हैं लूसुंग सिक्किम ठीक है ऐसों की खुशबू कईयों को बहुत पसंद आती है तो सिक्कों की सिक्कों को आप सूंघ रहे हो तो लूसूंग आप ऐसे सिक्के से याद रख सकते हो देन सरहुल इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सरहुल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है राजस्थान महाराष्ट्र उत्तराखंड या झारखंड सरहुल बेसिकली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें अगेन साल का जो पेड़ है उसकी पूजा की जाती है पेड़ पौधों को माना जाता है कौन से स्टेट है जिसमें ज्यादा पेड़ पौधों के रिलेटेड पूजा होती है झारखंड झारखंड की जो ट्राइब्स हैं उनमें यह फेस्टिवल मनाया जाता है सरहुल मार्च द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर ट्राइब्स ऑफ झारखंड जो हैं उनके न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है मेनली कौन कौन सी ट्राइब्स हैं जो इसको सेलिब्रेट करती हैं मुंडा ओरंग हो ट्राइब्स यहाँ पे मेन हैं और ये बनाती हैं और सरहुल में साल ट्री की वर्षिप बेसिकली की जाती है और स्प्रिंग सीजन में फर्स्ट मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर में सेलिब्रेट किया जाता है सरहुल ओके सर झाड़ी में सो सरहुल नेक्स्ट महाकुंभ ऑफ द ईस्ट वेरी इंपॉर्टेंट जैसे कि कुंभ होता है ऐसे महाकुंभ ईस्ट का पूर्व का महाकुंभ कौन से त्योहार को कहा जाता है या मेले को कहा जाता है सेक्रेनी फेस्टिवल अंबू अंबुबाची मेला <coughs> माजुली फेस्टिवल या गंगा सागर मेला एंड द राइट आंसर इज सॉरी आई डिट नॉट टेक द पेन अंबुबाची मेला ठीक है अब अम्बुबाची मेला के बारे में कहा जाता है कि भाई जो जिन लोगों को बेबीज़ नहीं होते हैं या बच्चे नहीं होते हैं तो ये माता जी के मंदिर में जा करके के और वहाँ पे पूजा आराधना कीजिए और आपको फर्टिलिटी का ब्लेसिंग मिल सकता है और कई चीज़ों के लिए बदनाम भी है कि वहाँ पे बहुत तांत्रिक प्रतिक्रियाएँ या क्रियाएँ की जाती हैं सो ये दोनों ही बातें यहाँ पर हैं और ये कहाँ पर पड़ता है अम्बुबाची मेला सो कामाख्या माता के मंदिर में गुवाहाटी असम में भरता है ठीक है एंड फर्टिलिटी रिचुअल्स यहाँ पे होते हैं जैसे कि मैंने बताया ठीक है तो असम अम्बुबाची ठीक है अम्बू अंबर तो असम असम अंबर ऐसे आप याद रख सकते हो अब बाकी जो है वो कहाँ पड़ते हैं वो भी देख लीजिए सेकरेंग की जो फेस्टिवल है वो नागालैंड में पड़ता है देन माजुली माजुली आइलैंड कहाँ थे आसाम में थे तो आसाम में पड़ेगा और गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल में पड़ता है ऑल राइट right? कमिंग ओवर टू म्यूजिक जल्दी से देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज अ रोड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वोकलिस्ट इनमें से कौन से व्यक्ति हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के वोकलिस्ट थे शोभना नारायण एम एस लक्ष्मी पंडित जसराज जी हरिशंकर प्रसाद चौरसिया द राइट आंसर इज पंडित जसराज ओके okay? एंड बाकी जो है उनके बारे में भी देख लेते हैं शोभना नारायण जो है वो बेसिकली कत्थक डांसर हैं और पद्मश्री से नवाजी जा चुकी हैं एम एस सुबह लक्ष्मी ये आ, कार्नेटिक म्यूजिक में सिंगर हैं और आ, बहुत यू नो रिनोड है और भरत भारत रत्न पुरस्कार आ, अगर किसी यू नो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट या वोकलिस्ट या किसी भी म्यूजिशियन को मिला है सबसे पहले तो वो इनको मिला था और हरिंग हरिप्रसाद चौरसिया जी के बारे में आप जानते होंगे फ्लूट बजाते हैं तो दिस इज इट देन अल्लाह रखा वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट अल्लाह रखा जो है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं शहनाई तबला सितार या संतूर द राइट आंसर इज तबला अल्लाह रखा जी ठीक है ये तबला बजाते हैं और एम एस सुबह लक्ष्मी जिनके बारे में अभी हमने बात की वो कौन सी फील्ड में डिस्टिंग्विश्ड हैं कथक भरतनाट्यम प्लेइंग वायलिन या वोकल म्यूजिक तो जैसे मैंने आपको बताया कार्नेटिक म्यूजिक में महारत रखती हैं यानी साउथ इंडियन साइड के म्यूजिक uh, फॉर्म्स में महारत रखती हैं इंडियन कार्नेटिक सिंगर है तमिलनाडु से बिलोंग करती है फर्स्ट म्यूजिशियन एवर जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था एम एस सुबा लक्ष्मी विच ऑफ नॉट करेक्टली मैस्ड नॉट करेक्टली मैस्ड रविशंकर एक गलत वाला हमें पकड़ना है रविशंकर सितार बजाते हैं एम एफ हुसैन तबला बजाते हैं आर के नारायण नॉवलिस्ट हैं कैफी आजमी पोएट हैं कौन सा गलत है देखिए रविशंकर सितारिस्ट हैं बिल्कुल सही है आर के नारायण नॉवलिस्ट हैं बिल्कुल सही है कैफी आजमी पोइट हैं बिल्कुल सही है ये एम एफ हुसैन साहब Painter है और और हमने लिख दिया है 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 तबला तो ये इसलिए हमारा right ठीक की the की जो पूरी वो कौन से वेद में की गई सामवेद ऋग्वेद या अथर्ववेद राइट आंसर इज सामवेद कौन से वेद में क्लासिकल थ्योरी डिस्कस की गई ओ ओ सॉरी क्लासिकल थ्योरी डिस्कस की गई है द आंसर इज सामवेद देखो क्लासिकल म्यूजिक सा सारे गामा से सा से शुरू होता है तो सामवेद आप याद रखिएगा ओके हु इज क्रेडिटेड बाई विथ क्रिएटिंग वर्ल्ड फेमस राग मिया की मल्हार राग मल्हार जिसको गाने से बारिश आ जाती है या राग मिया की मल्हार ये किसने यू नो क्रिएट किया था किसको इसका uh, श्रेय जाता है अमीर खुसरो तानसेन मीराबाई या भीमसेन जोशी द राइट आंसर एवरीबडी आई थिंक बी नोइंग तानसेन जी वो जब गाते थे uh, अकबर के दरबार में तो मेघ बरस जाते थे ठीक है तो तानसेन जी ने राग मल्हार या राग मिया की मल्हार बनाया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विंड इंस्ट्रूमेंट इनमें से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है वाद्य यंत्र आप समझते हैं ना एक होता है यंत्र जो कि तार से जैसे कि वीणा और सितार वगैरह हो गए एक होते हैं अवनध जो धध, ध, थाप छोड़ते हैं जैसे कि ढोलक होता है तबला होता है एक होते हैं सुशीर सुशिर वाद्य यंत्र जो फूक से बजते हैं ठीक है तो इसी तरह से आपसे पूछा जा रहा है और, और क्या रह गए घनवाद्य घनवाद्य जो घन घन जैसे कि मंजीरा होता है ठीक है तो ये चार तरह के वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सो विंड इंस्ट्रूमेंट फूंक से बजने वाला कौन सा है सितार शहनाई पखावज या मृदंगम बताइए शहनाई शहनाई फूंक से बजता है तो ये रही शहनाई और ये है सितार ये है पखावज और ये है मृदंगम और सुशिर अवनत तत् और घन ये चार तरह के वाद्य यंत्र होते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द नाइन रस और इमोशनल नव रस होते हैं नौ रस होते हैं उनमें से कुछ के नाम दिए हैं आपको बताना है तीन तो नवरस में आते हैं कौन सा नवरस में नहीं आता हास्य रस रुद्र रस वीर रस और आनंद रस हास्य रुद्र वीर तो है आनंद रस कोई रस नहीं होता तो ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी और इसी के साथ देखते हैं वो रस कौन से हैं श्रृंगार कारुण्य हास्य रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत और शांत रस ठीक है अद्भुत रस बहुत कम को पता होता है बाकी श्रृंगार रस पता है करुण रस हास्य रस रौद्र रस विभत्स ये सब पता है तो ये सारे रस हैं हिंदी में भी हमने लिख दिया है इंग्लिश में भी हमने लिख दिया ये नवरस आपको पता होने चाहिए मूविंग ओवर टू लिटरेचर यानी कि साहित्य से जुड़े हुए जल्दी से सवाल देख लेते हैं वेर इज दी हेड ऑफिस ऑफ साहित्य अकेडमी लोकेटेड साहित्य अकादमी का हेड ऑफिस पर है दिल्ली लखनऊ कलकत्ता कहीं नहीं तो नई दिल्ली में साहित्य अकादमी का ऑफिस है और साहित्य अकादमी क्या है वो देख लेते हैं इंडिया की नेशनल अकेडमी है जो कि नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स बोला जाता है इसको ठीक है ऑफ यहाँ मिसिंग आ गया है मैं बता देती हूँ इंडिया नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स <laughs> एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडियन uh, लैंग्वेजेस में लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए काम करती है और uh, 12 मार्च 1954 में बनाई गई थी और अभी जो करंट प्रेसिडेंट है वो हैं चंद्रशेखर कांबरा ठीक है सो दिस इज इट नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोट पंचतंत्र पंचतंत्र किसने लिखी है बच्चों की बहुत पुरानी कंपाइलेशन ऑफ स्टोरीज और वो लिखी है विष्णु शर्मा ने चाणक्य कालिदास ने तो नहीं लिखी ना हाँ ठीक है आंसर इज विष्णु शर्मा नेक्स्ट इन विच यू नेशनल बुक ट्रस्ट वॉज फाउंडेड नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया या नेशनल बुक ट्रस्ट कब बना था uh, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं फर्स्ट ऑगस्ट 57, सेवन फर्स्ट ऑगस्ट सिक्सटी थ्री पंद्रह अगस्त फिफ्टी सेवन या इनमें से कोई नहीं राइट आंसर इज फर्स्ट ऑगस्ट नाइनटीन ओके एंड बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या था वो भी देख लेते हैं इंडिया का पब्लिशिंग हाउस था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत uh, एक ऑटोनॉमस uh, बॉडी uh, के रूप में स्टार्ट किया गया था और uh, जैसा कि देख ही लिया हमने 1957 में शुरू किया गया था ठीक है

री फॉन्ड ऑफ हिंदी लिटरेचर एंड इंग्लिश लिटरेचर एनी वे सो इनका असल नाम क्या था मुंशी प्रेमचंद जी का प्रेम दासपत राय श्रीवास्तव या बहुत धन था एंड द राइट आंसर इज धनपत राय श्रीवास्तवा ओके okay? श्रीवास्तव फिर जो जातक स्टोरीज हैं अच्छा जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं ना कई बार बहुत बहुत घपला हो जाता है जैसे जातक कहानियों का जातका पढ़ देते हैं ना जातक का कई बार होता है अब क्योंकि मुझे पता है इसका हमने शुरू से बोला है इसलिए मैंने बोल दिया ठीक है तो ये कौन सी है जातक स्टोरीज जातक कथा तो जातक स्टोरीज आर रिलेटेड टू तो द प्रीवियस लाइव्स ऑफ होम पहले की जन्मों की या पहले के समय की किन की जीवन के ऊपर बेस्ड हैं जातक स्टोरीज लॉर्ड महावीर गौतम बुद्ध गुरु नानक या विष्णु लॉर्ड विष्णु द राइट आंसर इज गौतम बुद्ध बुद्ध के पहले के समय के और उनके जीवन के ऊपर बेस्ड है और कैसे उनसे लर्निंग एंड एवरीथिंग लेते हैं तो जातक कथा वो है ठीक है एंड विद वी आर डन विद द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऐसा नहीं है कि यही इंपॉर्टेंट है पर हाँ ये वो हैं जो कि अलग अलग तरह से हमने कंपाइल करके निकाले हैं अगर आप ये देख लोगे तो लास्ट मोमेंट पे हो सकता है आप हर एक चैप्टर डिटेल में नहीं पढ़ पाओ इतना टाइम अगर आपके पास नहीं है तो इनको जरूर नज़र से निकाल लीजिए क्वेश्चन देखते जाना उनको प्रैक्टिस करते जाना एक बहुत इफेक्टिव तरीका होता है एग्जाम में थोड़ा बेटर और स्कोर कर पाने का और अगर आपने पहले से चैप्टर्स भी तैयार किए हैं तो ये आपके लिए क्विक रिविजन का काम भी करेगा ठीक है सो साथ में हम पढ़ते भी जाएंगे चैप्टर्स भी डील करते जाएंगे वो भी देखिए उससे भी प्रॉपर तैयारी कीजिए और क्वेश्चन नज़र से निकालिए ताकि रिविजन हो सके आप चेक कर सको खुद को कितने आंसर दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो मिलते रहेंगे चैप्टर्स के साथ में क्वेश्चंस के साथ में और जुड़े रहिए सारे प्लेटफॉर्म से पढ़ते रहिए प्रैक्टिस करते रहिए गुड लक टेक केयर सी यू